हमारे नियर डियर मित्र या सभी लोग यहाँ आए हैं, उनका स्वागत है और बहुत अच्छा लग रहा, बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि आप लोग यहाँ हमारे एक छोटे से प्रोग्राम में आए और हमें बधाई दिए, आशीर्वाद दिए और अपना स्नेह प्रदान किए। जीवन के आपाधापी में 25 वर्ष कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। कभी ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ चंद सालों की बात है। हम लोग कैसे भी स्ट्रगल के टाइम से हम लोग अपने कमियों को पूरा करते करते, अपने स्ट्रगल को करते करते कुछ पता ही नहीं चला कि किसको क्या जरूरत है, जिस जरूरत को हम लोग पूरा कर सकें। देखते देखते ऐसे ही 25 साल निकल गए। कई बार ऐसा होता था कि हम लोग तो यहाँ पे एक स्टूडेंट थे, जब से आए हुए हैं नागपुर में, तो उस समय थोड़े अभाव रहते थे। वही आदत रियल लाइफ में, जब मैरिज लाइफ में भी बनी रही। कई बार शुरू में हम लोग कहीं घूमने जाते थे, ये तो सोची होगी कि भाई कोई इंजीनियर से शादी हुई है, नागपुर है वहां पे। बहुत आनंद आएगा, सपने सबके रहते हैं, उनके भी कुछ सपने होंगे। लेकिन हम लोग ऐसे ही कहीं घूमने जाते थे, पूरा शहर घूम के आ जाते थे, फिर बोलते थे कि घर में खाना बनाओ भाई, खाएंगे। जो रियल है। लेकिन अब धीरे धीरे अब ये चीज के एहसास हो रहा है। बच्चे सब अब बड़े हो गए हैं, अब उनकी फरमाइश, उनकी रिक्वायरमेंट को हम लोग पूरा करते हैं और इसी में कई बार सुख दुख आया है। लेकिन इसके लिए हम लोग भाग्यशाली हैं, खास तौर से मैं, कि कभी इन्होंने कोई ऐसा चीज डिमांड नहीं किया कि हमें ये चीज चाहिए। इन्होंने स्ट्रगल का टाइम भी देखा है, सुख दुख भी देखा है साथ में, लेकिन इन्होंने कभी ऐसा डिमांड नहीं किया कि हमें ये चीज चाहिए। कभी इनको घर में कोई बात होती है, अनुभव आता है, लेकिन ये बोलते कि नहीं हमें तो कुछ चाहिए नहीं, सब तो चल ही रहा है ठीक ठाक, अभी ईश्वर की कृपा से सब ठीक है, चल रहा है और आगे हम चाहेंगे कि ऐसे ही थोड़ा खुशहाल जीवन बना रहे, अगले फिर अगले 50 साल में फिर एक गोल्डन जुबली हम लोग हंसी खुशी मनाएं। इसके लिए आप लोगों का आशीष की जरूरत है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।